फिर एक और गड़बड़ चलती है, कर्म के निमित्त की अपेक्षा कथन आदि में बहुत घटा है कि जीव को ज्ञानवर्ण कर्म के उदय से ऐसा होता है, ज्ञानवर्ण कर्म के क्षयोपशम से ऐसा होता है। तो ये ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान पड़ा हुआ है और ज्ञानवर्ण कर्म के कारण उस पर आवरण है, इसके कारण मेरे अभी बाहर में मध्यशुद्ध ज्ञान है और जैसे ही ज्ञानवर्ण कर्म का आवरण हट जाएगा केवल ज्ञान को पड़ा हुआ ही प्रदेशों में, ऐसा ये मानता है। बल चूंकि ऐसा है नहीं, तो क्या है कि ज्ञानवर्ण कर्म के उदय के समय ज्ञान का अभाव होना ही वो ज्ञानवर्ण कर्म का उदय है, ये बात अपन पढ़ के आए। फिर टोडरमली साहब ने स्वभाव और पर्याय में भिन्नता को समझाने के लिए जल का उदाहरण दिया था कि जल का स्वभाव शीतल होता है, लेकिन जो जल अग्नि के संयोग में वर्तमान में गर्म है, क्या अग्नि के संयोग में वर्तमान दशा उसकी क्या है, गर्म है, उसी जल का वर्तमान स्वभाव कैसा है, ठंडा है। लेकिन आप पर्याय में गर्मपना स्वीकार न करो और जल का स्वभाव शीतल होकर ही जो वर्तमान पर्याय में उष्ण होने पर भी शीतल मानकर पियोगे तो जले बिना नहीं रहोगे, ये बात है। तो क्या अंतर था कि स्वभाव कब समनिमित्त हट जाए तो वह सहज जिस दशा को प्राप्त हो जाता है वह उसका स्वभाव है, और निमित्तों के उदय में जो उसके भाव होते हैं उन भावों को कभी तो कहा निमित्तों का, उसका भी एंगल है, लेकिन अभी यहाँ ये बताया कि वर्तमान में वह जल उष्ण ही है ना। अभी क्या पर्याय को एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर्याय मतलब जो गर्माहट है वो है कहाँ, गर्माहट भले अग्नि की है लेकिन है कहाँ, तो बोले कि वो जल है ना, जल उसकी वर्तमान पर्याय में गर्माहट है। आई बात समझ में, अभी तो उस बात को और स्पष्ट करने के लिए टोडरमली साहब ने ये अभी यहाँ बता रहे हैं कि जो राग है उसका अस्तित्व कहाँ है। मुद्दे वाली बात है कि राग को यदि ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा, शरीर के प्रदेशों में मिलेगा कि कर्म के प्रदेशों में मिलेगा कि जीव के प्रदेशों में मिलेगा, ये मुद्दा है। आई बात समझ में क्या कदावस्था, यहाँ क्या समझा गया अभी सबसे पहले, राग का अस्तित्व कहाँ है, ये है अभी टोडरमली साहब को समझाना है, ठीक है ना। इसलिए बात समझ में आ गई, जैसे जो है ना गर्माहट अग्नि की है, कौन सा जो पानी गर्म है उस गर्माहट को क्या कहते हैं, अग्नि की कहते हैं, लेकिन अग्नि तो बंद है और पानी उछल रहा है तो फिर आप अग्नि की क्यों, तो वो एक अपेक्षा है, ठीक है। लेकिन पानी का स्वभाव शीतल कह रहे हैं, उबलते हुए पानी को आप शीतल समझकर पियोगे तो काम चलने वाला नहीं। आई बात आवाज आ रही सबको, नहीं सबसे सबसे बेहतर सबसे थोड़ा हेलो हेलो आ रही ना आवाज। तो यहाँ जो मार्मिक प्रश्न है अपना, वो टोडरमली साहब ने यहाँ स्पष्ट किया है कि राग का अस्तित्व कहाँ है। प्रश्न क्या है, राग को समझते हो ना, आपको जो राग आपके ज्ञान में पकड़ में आता है वह राग कहाँ है, आत्मा में है, शरीर में है कि कर्म के प्रदेशों में है, पहले ये बात समझो, है ना। राग को यदि पकड़ना पड़ेगा, ढूंढना है तो कहाँ जाना, अपने को कहाँ मिलेगा राग, वो अपने को पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं यदि राग को शरीर का कहोगे, राग को यदि शरीर का कहोगे तो जीव निकलने के बाद किसी भी शरीर में राग होते हमने देखा नहीं। बात समझ में आई आपको क्या, राग को यदि आप शरीर का कहोगे, आत्मा का नहीं कहते हो, कर्म का नहीं कहते हो, तो जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकल जाता है तब किसी भी शरीर में राग होते दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि राग शरीर का अत्यंत
अपराध शरीर के अस्तित्व में नहीं है। तो फिर राग कर्म के अस्तित्व में है, फिर कर्म भी ऐसा ही है, वो भी पुद्गल है, वो भी रूप रस गंध वर्ण वाला है, है? तो फिर तो आप राग किसके अस्तित्व में, जीव और कर्म के मिलकर अस्तित्व में है क्या? तो बोले ऐसा भी नहीं है कि जीव और कर्म दो मिलकर राग करें, ऐसा भी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि उसका एक सुंदर तर्क दिया है प्रोफेसर साहब ने, यदि राग को जीव और कर्म दोनों के अस्तित्व में मानोगे तो जिस प्रकार राग के काल में जीव दुखी हुआ दिखाई देता है उसी प्रकार कर्म को भी दुखी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मिला हुआ अस्तित्व है ना, है ना? दो पार्टनर मिलकर मान लो व्यापार करते हैं और व्यापार में मान लो 2 करोड़ का घाटा हुआ तो दुखी कौन, कितने पार्टनर होंगे? दोनों होंगे। दो मिलकर करते हैं तो दोनों पार्टनर दुखी होंगे, तुम्हें नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। और जीव और कर्म मिलकर राग करें तो दोनों को दुखी होना चाहिए, है ना? फिर तो दोनों को दुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। इसका मतलब है कि जीव और कर्म दोनों मिलकर भी राग नहीं करते, तो फिर अकेला कर्म राग करता है। तीसरी बात, फिर अकेला कर्म राग करता है, राग का अस्तित्व कर्म में है, तो बोले ऐसा भी नहीं है। इस माइक को डिस्टर्ब कर दिया, कोई वस्तु है, ठीक है?
उसका सबसे छोटा आपने हिस्सा कर लिया, ठीक है जयदा, वो हिस्सा और उसको आपने एक आइडेंटिटी दे दी प्रदेश, क्या आइडेंटिटी दे दी प्रदेश, और उसका मेजरमेंट पुद्गल के परमाणु से करा, एक प्रदेशी है पुद्गल का एक परमाणु, आपस में मिल जाते हैं तो बहुत प्रदेशी हो जाते हैं, पुद्गल में इस प्रकार के मिलने बिछूने के शक्ति है, स्मृति और रूप से गुण है ना, और अपना आत्मा कितना प्रदेशी बाबूजी, असंख्यात प्रदेशी है ना, तो एक एक प्रदेश ऐसे असंख्यात प्रदेश मिलकर एक अपना जीव, वो हो गया क्षेत्र है ना, अपना जीव का क्षेत्र कितना है, कितना क्षेत्र है जीव का, असंख्यात प्रदेश, ठीक है, जैसा असंख्यात प्रदेश, ज्ञान गुण किस प्रदेश में होगा, सभी में है ना, ज्ञान गुण आनंद आएगा तो आप बोलते ना प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर धर गए, आत्मा के सभी प्रदेशों में से आनंद झर गए, आएगा समझना है, तो प्रदेश मतलब क्या, अभी आपको समझने के लिए समझो कि एक दिनवाणी है, ठीक है, इसका सबसे छोटा हिस्सा वो क्या कहलाया इसका प्रदेश, ठीक है ओके, अब राग का प्रदेश कहां है, राग कहां मिलेगा, अपने को राग का अस्तित्व ढूंढना है, राग कहां मिलेगा, ये जो क्रोध का भाव आता है, कसाय का भाव, मायाचारी का भाव, जैसा ये जो परिग्रह जोड़ने का भाव, जो दया का भाव, दान देने का भाव, ये कहां मिलेगा, तो ये कहा है कि जीव के अस्तित्व में है, जो जीव के प्रदेश है वहीं मिलेगा, शरीर के प्रदेशों में नहीं मिलेगा, कर्म के प्रदेशों में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा ये राग, कहां मिलेगा ये राग, जीव के प्रदेशों में, ठीक है, अभी ये बात अपने को नक्की करनी है, अध्यात्म में जो अपेक्षा है फिर अपन उसको बताएंगे बाद में क्या अपेक्षा, अभी तो यहां क्या बात बताई है, राग का अस्तित्व कहां है, जीव के प्रदेशों में, राग कौन करता है, जैसा कौन करता है राग, जीव करता है, शरीर राग नहीं करता, कर्म राग नहीं करता, ये बात जरूर है कि जब जीव राग करता है तब कर्म की उदय की स्थिति में उसकी उपस्थिति रहती है, लेकिन कर्म राग नहीं करता, क्या बात कर रहे हैं आपको, राग कौन करता है, पैसे कमाने का भाव किसका है, जीव का है, दान देने का भाव कौन करता है, जीव करता है, मायाचारी का भाव कौन करता है, जीव करता है, यदि मायाचारी के भाव को ढूंढना है तो किसके प्रदेशों में मिलेगा, जीव के प्रदेशों में मिलेगा, शरीर के प्रदेशों में जाके ढूंढोगे तो मायाचारी का भाव नहीं मिलेगा, आई बात समझे, कहां मिलेगा, तो अभी ये पहली बात ये नक्की करनी है, क्या नक्की करनी है कि राग का अस्तित्व कहां है, राग को ढूंढेंगे तो कहां मिलेगा, ये बात नक्की करा रहे हैं टोटल मनीषा, ठीक है, बात पकड़ में आ रही है आपको, निकालिए पेज नंबर 207 समय सार अध्यात्म का ग्रंथ, उसका कलश दिया है बाबूजी, कोई समझे कि समय सार में ये बात लिखी ही नहीं, वहां तो राग को आत्मा से भिन्न, राग को आत्मा से भिन्न ऐसी बात कही, ऐसा नहीं है, अभी देखो ये समय सार का कलश उद्धृत किया है आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, कलश लिखा है उसका, है ना, उस ग्रंथ ले आपको बहुत आनंद आएगा, आपको विषय बहुत आपको समझने जैसा है, मिल गया पेज नंबर 207 कायत्वाद कथम न कर्म न जीव प्रियोदयो स्वकाय फल कर्ता ततो जीवस्येव च कर्म कच्चित् निगम ज्ञातामये पुद्गलः। देखो इसका सीधा सीधा अर्थ बहुत सुंदर जो यहाँ लिखा है ये मैं पढ़ता हूँ आपको बात पकड़ में आ जाएगी। रागादिक रूप भाव कर्म है सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है,
क्योंकि यह कार्य भूत है। मिली भक्ति पढ़ो आप, क्या भक्ति आप पढ़ो, क्या इसका अर्थ है राव जी? कि राग उत्पन्न हुआ है, मतलब राग रूपी कार्य हुआ है। साहब राग उत्पन्न हुआ है तो वो तो आप प्रत्यक्ष जान रहे हो, बोलो आप राग को जानते हो कि नहीं प्रत्यक्ष? कनक भैया जो अपने को परिग्रह जोड़ने का भाव आता है, ये आपके पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भोग भोगने का भाव आ रहा है, पकड़ में आता है कि नहीं आता है? दान देने का भाव आ रहा है तो पकड़ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो ये जो दान देने का भाव अभी आपके आया, उसके पहले आपको सामग्री भोगने का भाव था, तो ये जो भाव है ये कार्य हुआ, इस कार्य का कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए, बिना कर्ता के कार्य होता ही नहीं। पहला भाव बोला क्या है, क्या बात बोला? कोई भी बाबू जी कार्य होगा तो उसका कर्ता अवश्य होगा, होगा होगा। क्या फार्मूला क्या है? जैसे भाई सबके दर्शन प्रकट होगा तो उसका कर्ता कौन? अभी राग है तो उसका कर्ता कौन? भाई आपको ये समझना पड़ेगा ना ऋषि मेहता, भाई राग रूपी कार्य हुआ है, कहाँ हुआ है, कहा हुआ है बाबू जी? जीव में हुआ है राग रूपी कार्य, तो उसका कर्ता कौन? पहले ही समझना पड़ेगा आपने, क्योंकि कर्ता के बिना कार्य नहीं होता। पहली पंक्ति में ये बात संभाल, देखो आप समझना, कर्ता कर्म में जो ये कहा कि यदि जीव अपने को रागादिक का कर्ता मानेगा तब तक वो अज्ञानी रहेगा। क्या पहला मंगलाचरण का श्लोक है कि यदि वो क्रोध का अपने को कर्ता माने, राग का अपने को कर्ता माने, तो वो अज्ञानी रहेगा। ठीक है, वो एंगल क्या है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ये एंगल समझो, क्या कि राग रूपी कार्य है तो उसको किसने किया है? भाजी राग रूपी कार्य है तो किसने किया? अब आप कह रहे हो कि यदि ये राग जीव ने नहीं किया तो दंड किसको मिलना चाहिए? ऐसा होता है दो तरह के, एक भाई आदम ने पढ़ा है कि जब तक जीव अपने को रागादिक का कर्ता मानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा, ओके। और एक जगह ये भी पढ़ा है कि क्रोध कर्म प्रकृति के उदय के कारण जीव में क्रोधादिक भाव होते हैं। अब ये दोनों बात आपने आदम ने पढ़ ली, क्या पढ़ ली जैसा क्या आदम ने क्या पढ़ा आपने? देखना बहुत मार्मिक बात है, बहुत उपयोग को एकाग्र करके समझ कि जब तक यह जीव अपने को क्रोध का कर्ता मानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा, इसका मतलब जीव क्रोध का कर्ता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, क्रोध कर्म की प्रकृति के उदय के कारण जीव की पर्याय में क्रोध होता है, यह भी आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना? तो फिर जीव ने क्या किया बाबू? यदि कर्म के उदय से क्रोध हुआ तो फिर दंड किसको मिलना चाहिए? कर्म को मिलना चाहिए। और यदि आत्मा क्रोध नहीं करता है तो फिर क्रोध को दूसरा करता है, तो फिर आत्मा को क्यों उपदेश देते हो क्रोध मिटाने का? क्या कह रहा हूं अभी आप बोलोगे, कल एक दिन पहले तो आप तभी बोलते हो कि क्रोध करता है नहीं, जब तक मानेगा क्या नहीं रहेगा। आप आज कह रहे हो ये बात, उस दिन कोई नया तर्क दिया था, आज कोई नया तर्क दे रहे हो, हमारे को क्यों झमेले में रख रहे हो? भैया जब तक ये झमेला नहीं समझोगे तब तक इन तीनों मिथ्या दृष्टि में कहीं ना कहीं डोलते रहोगे। आई बात है, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं ऐसी गाथा है, कर्ता कर्म के मंगलाचरण की गाथा है कि क्या है, जब तक जीव अपने को क्रोधादिक का कर्ता मानता रहेगा तब तक वो अज्ञानी रहेगा। मैं गाथा का मैं प्राकृत की गाथा मुझे याद नहीं आ रही है, अब वो अपेक्षा आपने को यथार्थ समझ ली है। वो मैं कर्ता कर्म पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत मजा आएगा, क्या कहना चाह रहे हैं।
अभी तो आप ये यहाँ की बात समझो, क्या यहाँ क्या बात कह रहे हैं कि उस क्रोध का अस्तित्व कहाँ है, उस राग का अस्तित्व कहाँ है। तो उस बात को सिद्ध करने के लिए अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, भाई क्रोध नाम का कर्म है ना, क्रोध नाम का कर्म है ना, तो इसका कोई ना कोई कर्ता होना ही चाहिए, क्योंकि कर्ता के बिना कर्म नहीं होता। पहले ये नक्की करो, क्या कहा, क्रोध हुआ ना, क्रोध कार्य हुआ, तो कार्य है तो उसका कर्ता होना चाहिए। क्रोध अगर मेरे को हुआ तो उसका कर्ता होना चाहिए, मुझे को दान लेने का भाव आया तो उसका कर्ता होना चाहिए। अब उसका कर्ता कौन है ये नक्की करो, नक्की, क्योंकि यहाँ शरीर है, यहाँ जीव है और यहाँ आठ प्रकार के कर्म है, इन तीनों में से उसका कर्ता कौन, किसका, रागादिक रूपी कार्य का कर्ता कौन, जीव है, यहाँ शरीर है यहाँ पर और यहाँ आठ प्रकार के कर्म है ना, इन तीनों में कौन राग का कर्ता है, ये बात टोटल मजे से आपको समझानी है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, तथा मिल गई पंक्ति आपको, रागादिक रूप भाव कर्म है सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्य भूत है, कार्य भूत है मतलब कार्य हुआ है, इसका मतलब करता है, कोई ना कोई करता है, ठीक है ना, जो कार्य नहीं होता तो फिर करता भी नहीं है, लेकिन कार्य हुआ है तो इसका मतलब कोई न कोई करता है। अब अपने को उस कर्ता की खोज करनी है कि जिसने राग किया, तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है। क्या कह रहे बाबूजी इस पंक्ति में, कि जीव ने और कर्म प्रकृति दोनों ने मिलकर राग नहीं किया, क्या बात है, क्या कह रहे हैं गजराज साहब, क्या भाई साहब, अब आप आगम में पढ़ेंगे क्या, कि जिनके कर्म नहीं है उनके राग नहीं है, सिद्ध भगवान के आठों कर्म रहित है तो उनके राग नहीं है, अरंत भगवान के चार घात्या कर्म चले गए, मोह चला गया तो उनके राग नहीं है। तो आपने एक पिक्चर बना ली, क्या पिक्चर बना ली, कि जीव और कर्म मिलकर राग करते हैं, टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्या कह रहे, तो साहब क्या गलत बात कह रहे हैं हम, क्या सिद्ध भगवान के कर्म नहीं है इसलिए उनके राग नहीं है, भैया तू बात तो सही कह रहा है कि सिद्ध भगवान के आठों कर्म नहीं है तो उनके राग नहीं है, अरंत भगवान के मोहनी कर्म नहीं है तो उनके राग नहीं है, लेकिन भाई समझना, दो मिलकर राग करें ऐसा नहीं होता, हा? क्या क्या जीव और कर्म मिलकर राग करते हो ऐसा नहीं है, तो साहब क्यों नहीं है ऐसा, तो वो कह रहे हैं यदि ऐसा हो, दो मिलकर यदि राग करे तो राग का दुख जीव को भी होता होना चाहिए और कर्म के भी होना चाहिए, लेकिन दुखी तो जीव अकेला होता है, कर्म को तो कोई दुख नहीं है, इसका मतलब है कर्म और जीव दोनों मिलकर राग नहीं करते। बात समझ में आई, तर्क समझ में आया आपको, जैसा तर्क समझ में आया, तो साहब फिर ये बात क्यों कही, ये बात निमित्त की तरफ से कही, जब जब भी जीव रागी राग रूप परिणमन करता है तब बाहर में क्रोधादि कर्म मोहनि कर्म का इसमें ये उदय होता है, आई बात समझ में, वो निमित्त है, लेकिन इसने क्या समझा निमित्त के कथन को, कि दोनों मिलके करते हैं, दोनों मिलके नहीं करते हैं, गड़बड़ी अगर ऐसी हो तो सुधार लेना, क्या क्या गड़बड़ी अपने ऐसी हो तो सुधारना, बाबू जी जीव और कर्म मिलकर राग नहीं करते हैं, ठीक है, क्या तर्क दिया, यदि जीव और कर्म दोनों मिलकर राग करे तो जीव को दुख होता है, उसी प्रकार कर्मों को भी दुख होना चाहिए, क्योंकि दोनों की मिली जुली सरकार मिलकर काम करे, पार्टनरशिप फर्म हो तो नुकसान दोनों को होगा ना, लेकिन ऐसा है नहीं है, समझ में आएगा ना, आप घबरा क्यों रहे हो, अभी जो जो चीज समझ में आ रही है वो समझो, आप ये बात तो समझ में आ रही है, दो मिलके नहीं करते हैं, लेकिन अब ये बात है क्या, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृतियों को भी उस भाव कर्म का फल सुख और दुख का भोगना होगा, सो यह असंभव है, क्या कहा टोटल मेरे साहब ने,
क्या कहा बोलो भाई अजित भैया क्या कहा कि दोनों मिलकर ये राज नहीं करते क्यों यदि दोनों मिलकर करेंगे तो फिर सुख दुख का फल कर्मों को भी भोगना पड़ेगा और ऐसा असंभव है क्योंकि कर्म तो जड़ है वो कहां सुख दुख भोगे बाबू चलो फिर तो कर्म का कर्तव्य है आगे तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी कर्तव्य नहीं है क्योंकि उसके अचेतन पदा प्रकट है अकेली कर्म प्रकृतियां भी राज नहीं कर सकती क्योंकि वो तो स्वयं जड़ है न तो वो राग को जान सकती है और न वो राग कर सकती है बाबू जी कितनी गजब की बात है कर्म राग रूप परिणमन नहीं होता शरीर राग रूप परिणमन नहीं होता जीव के स्वभाव में राग नहीं है और जीव के प्रदेशों में राग है क्या भाई बात पकड़ भाई थोड़ा वह कठिन करूं आपको भाई चारित्र गुण का विकार है क्या राग किसका विकार है चारित्र गुण का विकार है और क्षमा मार दो आ जाओ ये चारित्र गुण का स्वाभाविक परिणमन है दस धर्म रूप परिणमन अब एक चारित्र गुण जैसा वह राग रूप परिणमन होता है और वह धर्म रूप परिणमन होता है ऐसा होता है क्या बाबूजी बात कर रहे हैं चारित्र गुण उसका विकारी परिणमन मोहराग द्वेष रूप होना ठीक है उसका स्वाभाविक परिणमन क्षमा माधव आगे रूप रहना एक ही गुण दो गुण नहीं है आत्मा में आई बात समझ में कि एक तो राग उत्पन्न करे और एक गुण फिर तो क्षमा माधव आगे उत्पन्न करे ऐसा नहीं है क्योंकि गुण कहते ही उसको है कि जिसके प्रति समय उसका विकार होता है मतलब उसका परिणमन होता है गुणों का प्रत्येक समय परिणमन होता है तो फिर कैसे होता है क्रोध भाई क्रोध आत्मा के प्रदेशों में है देखो फिर से देखो कठिन है विचार करना क्रोध आत्मा के प्रदेशों में है क्रोध आत्मा के स्वभाव में नहीं है क्रोध शरीर में नहीं होता क्रोध कर्म प्रकृतियों में नहीं होता कितनी बात होगी क्या बात होगी ठीक है अब जो आत्मा के प्रदेशों में जो क्रोध है वह दुख है और वो क्रोध मिटकर आत्मा के प्रदेशों में क्षमा माधव आर्जव प्रकट होना वो धर्म है और पूर्ण आनंद प्रकट हो जाना आत्मा की पर्याय है उसी का नाम मोक्ष है मोक्ष किसको कहना मोक्ष किसको कहना वो कोई क्षेत्र में जाना उसका नाम मोक्ष नहीं है कह रहे साहब सिद्ध शिला पर जाना उसका नाम मोक्ष नहीं है वहां पे तो निकोदिया जीव भी बहुत है सब सुखी नहीं है वहां पर आई बात समझ में तो फिर सिद्ध भगवान हाँ सिद्ध भगवान सुखी है क्योंकि उनकी पर्याय में पूर्ण आनंद निरंतर रहता है इसलिए वो सुखी है और वह सभी जिस क्षेत्र में रहते हैं इसलिए अपन कहते हैं वो पंचम क्या बोलते हैं आपको अष्टम वसुधा आठवीं धरती क्या बोलते हैं ना अष्टम वसुधा को पाने के लिए पूजा में बोलते हो ना भाई किसी को अर्थ नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं आठवीं धरती कौन सी धरती बाबू जी आठवीं धरती है वो वहां पर जो सिद्ध शिला है अब तो सिद्ध शिला पे जाने पे सुखी हो जाएगा जीव अरे बोलो ना सिद्ध शिला पे बाबू जी कभी गए कि नहीं गए आप निगोदिया दे निगोदिया बाप रे हुए जनादन तो फिर साहब सिद्ध शिला में जाने पे भी सुख नहीं हुआ अरे भैया सुख कोई क्षेत्र के आधार से सुख नहीं है फिर से आज माइक से नहीं चल रहा मेरे को भी आदत नहीं आ रहा आवाज आपको आ रही है मेरे गला की क्या क्षेत्र के आधार से सुख नहीं है हेमंती भाई साहब यूरोप में चले जाएंगे सुखी के स्विट्जरलैंड में चले जाएंगे सुखी बोलो कहां सुखी बाबू अरे बोलना जल्दी बोलो
और भोगी लोग जाते हैं ना, आप यूरोप नहीं गए तो आपने कुछ नहीं देखा भाव, आप यदि स्विट्जरलैंड नहीं गए तो आपने क्या देखा है? सब मनुष्य भाव बेकार हो गया। और अपन क्या बोलेंगे, यदि तूने सिकंडी की यात्रा नहीं करी, तू सोनगढ़ नहीं गया तो तूने कुछ नहीं किया। तो क्या सोनगढ़ में सुख है, सिकंडी में सुख है? क्या सुख है? सुख है भाई, क्षेत्र के आधार से सुख नहीं होता, सुख का है स्वभाव में। यदि तूने स्वभाव में नहीं गया तो तूने कुछ नहीं किया है। कहां नहीं गया? स्वभाव में नहीं गया, तुझे स्वभाव की खबर नहीं तो तेरे को कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर सुख कहां से मिलेगा? क्षेत्र के आधार से सुख नहीं मिलता क्या? जैसा क्षेत्र के आधार से सुख नहीं मिलता। अरे जो सुखी होते हैं वो सब एक जगह रहते हैं, इसलिए उसका नाम सिद्धशिला पड़ गया है, आयरा से मिलते हैं। पहले सुखी होना है, यहां सिद्ध बनते हैं फिर वहां जाते हैं, वहां जाके सिद्ध नहीं बनते हैं। क्या कहा बाबूजी? सिद्ध यहां बनते हैं फिर अगले समय में वहां जाते हैं, आई बात समझ? वहां जाके सिद्ध नहीं बनते हैं। क्या कहा जाता है? तो सिकंदरी में जाके कोई सुखी होना चाहता है तो उसको क्या करना है? सिकंदरी नहीं जाना। अरे बहुत जाओ, लेकिन वहां जाने से सुखी नहीं होता। कहां जाने से सुखी होता है? अपने स्वभाव में स्थिरता से सुख आता है, उस स्थिरता का नाम चारित्र है। आई बात समझ? तो राग कहां है? राग कहां है? वही राग चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, वो आत्मा के प्रदेशों में है। कहां है? आत्मा के प्रदेशों में है। ठीक है, शरीर में नहीं, कर्म में नहीं, जीव और कर्म मिलके करते नहीं राग। राग का करने वाला एकला जीव है, पहले ये नहीं करो। कौन करता है राग? जीव करता है, शरीर नहीं करता, कर्म नहीं करते। कौन करता है एमजी वैसा? राग। परिग्रह जोड़ने का भाव कौन करता है? पांच इंद्रिय के विषय को भोगने का भाव कौन करता है? मकान बनाने का भाव कौन करता है? मंदिर बनाने का भाव कौन करता है? जीव करता है। अब वहां जो कर्ता कर्म अधिकार में कहा है कि अज्ञानी जीव करता है, वहां एक नई डेफिनेशन। क्या? कौन करता है? ज्ञानी जीव नहीं करता है। तो क्या आपका ज्ञानी जीव को मंदिर बनाने का भाव नहीं आता? मंदिर बनाने का भाव ज्ञानी जीव के आने पर भी ज्ञानी जीव उसका कर्ता नहीं बनता। तो वो क्यों नहीं बनता? वो भी कर्ता कर्म में बताऊंगा। अभी तो आप कर्ता या समझो भी कर्ता। आई बात समझ रहे? मैंने तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाता। कभी तो आप क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो, ये चक्कर नहीं। अभी तो यहां बता रहे हैं कि राग का कर्ता जीव है, राग के जीव के प्रदेशों में होता है, राग का जो दुख जीव भोगता है, ये बात पहले नक्की करो आप। बस इस पैराग्राफ की विषय वस्तु ये है। ठीक है, आगे की बात आगे बताएंगे, इसमें ही चर्चा चलेगी। तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी यह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अचेतन पदार्थ प्रकट है। इसीलिए इस रागादिक का जीव ही करता है और यह रागादिक जीव ही का कर्म है। क्या बता रहे बाबूजी? क्या बता रहे? यह राग जीव ही करता है। अभी कर्ता कर्म पढ़ाऊंगा ना जब मैं आपको, तब मैं वो ये कहूंगा कि जब तक तू रागादिक को अपना कर्म मानेगा जब तक तू अज्ञानी रहेगा। और यहां कह रहे हैं कि जीव ही करता है, जीव ही कर्म है, दोनों में अंतर है। वहां जीव को क्या है, अपना जो सही कर्ता पना बताना है कि तेरा सही कर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और यहां ये बताना है कि राग का अस्तित्व कहां है। दोनों जगह आचार्य देव का एंगल अलग अलग है। वहां क्या बताना है? तेरा असली कर्म क्या है? क्या बताना है बाबूजी? तेरा असली कर्म क्या है ये बताना है, और यहां ये बताना है कि इस कर्म का अस्तित्व कहां है। आई बात समझ में? देखो मेरी बात सुनो, एक अच्छे सभ्य परिवार का बच्चा बाबूजी गलत संगत में पड़कर सिगरेट पीने लग गया, रात्रि भोजन करने लग गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे?
उसके पापा के मित्र या परिवार के, तो ये तेरा कर्म नहीं, ये तेरा कार्य नहीं है। क्या तेरा कार्य नहीं है? क्या कहेंगे? सिगरेट पीना तेरा कार्य नहीं है, ये तेरा कर्म नहीं है। रात्रि को क्या भोजन करना, ये तेरा कर्म नहीं है। बाबू जी, इस भाषा में कोई गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है, ये तेरा कर्म नहीं है। कोई पूछे कि रात्रि भोजन किसने किया, बताओ, तो कि ये फलाने के लड़के ने किया, वो उससे गलत बोला है क्या? रात्रि भोजन किसने किया? सिगरेट कौन पीता है? तो बोलेगा फलाने के लड़का सिगरेट पीता है, मैंने अपने आंखों से देखा। तो सिगरेट का पीने का काम किसने किया? किसने किया जैसा सिगरेट पीने का काम? उसी लड़के ने किया है, कोई दूसरे ने नहीं किया है। अब वही लड़का जब आपके समीप आकर बैठता है, तब आपको समझाते हो, बेटा ये सिगरेट पीने का काम तेरा कर्म नहीं है। ऐसा समझ आए? उसी प्रकार राग क्रोध करता है तो वो जीव ही राग करता है या समझा रहे हैं, लेकिन उस जीव को जब समझाएंगे भाई राग करना तेरा कर्म नहीं है, वो कर्ता कर्म में समझाएंगे कि ये राग करना तेरा कर्म नहीं है। जब तक तू इसको अपना कर्म मानता रहेगा तब तक तू अज्ञानी रहेगा। तेरा कर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम होना है, वो वहां की एकल, वो वहां की भाषा है। और यहाँ की भाषा क्या है? क्या अभी सिगरेट कौन पी रहा है? अभी कौन पी रहा है? ये बनाने का लड़का पी रहा। समझ में आई बात आपको? इस बाबूजी भाषा समझना ये ट्रिक है। हाँ, ये तो आप समझ रहे हैं, ये क्या बोल दिया, कभी आचार्य क्या बोलते हैं, कभी आचार्य क्या बोलते हैं। भैया तेरे समझ में नहीं आ रही है, तू समझने की कोशिश कर, हल्ला मत कर। समझना तेरे को यही पड़ेगा जो आचार्य देव समझा रहे हैं, सही अपेक्षा समझनी पड़ेगी तेरे, नहीं तो तू अज्ञानी भटकता रहेगा। ये चार तीन प्रकार के मिथ्या दृष्टि है ना, भूल, ये सब ऐसे ही है। सबने जैसा दिलवाणी पड़ी है, लड़ने आ जाते हैं, एक एक पंक्ति दिखाते हैं, आगे पीछे की बात नहीं करते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना केला बेला, तो केला बेला चढ़ाऊ के नहीं चढ़ाऊ, पूजा में लिखा हुआ है। तेरे तेरे जैसा समझा, अच्छी बात है, चढ़ा दे। नहीं समझना है तो क्या बात, जिसको नहीं समझना उसको कौन समझा, बोलो। जगत में तो समझना है, सिर्फ धर्म के क्षेत्र में नहीं समझता। जगत में किस गाली में इसको गुस्सा करना है, किस जगह गाली में गुस्सा नहीं करना है, इसको सब पता है। कौन मजाक कर रहा है, कौन मजाक नहीं कर रहा है। माँ बच्चे को कह रही है नालायक, यदि कहना नहीं माना ना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं, तो ये समझता है देखो माँ को कितनी करुणा है। अच्छा, तुमने सुना तो हाथ पैर तोड़ दूंगी, और अर्थ क्या निकाला तेरे उसका, अर्थ क्या निकाला बाबू जी उसने? माँ को कितने करुणा है, माँ को बच्चे के प्रति कितना उसका लगाव है, ये निकालते ना हर। और यहाँ धर्म के क्षेत्र में लड़ने को तैयार, हाँ साहब ये कहते कह दिया, ये कहते कह दिया, हमारे पास भी ग्रंथ है, नहीं कह दिया। देखो अभी तो अभी यहाँ आपने को क्या बता रहा हूं कि वो क्रोध कहाँ अस्तित्व है, अभी उसकी बात चल रही है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, इसीलिए रागादी का जीव ही करता है। ठीक है, वहां कहेंगे अज्ञानी जीव उसका कर्ता बनता है, वो मैं बताऊंगा एंगल वो शब्द क्यों लिए। अभी तो यहाँ आप समझो राग रूप परिणमन जीव ने ही किया है, आई बात समझ में? शरीर ने नहीं किया है, कर्मों ने नहीं किया है ना। जो क्रोध का भाव आया है वो कौन परिणमित हुआ है, जैसा मैं ही क्रोध रूप परिणमित हुआ हूँ, और दया का भाव भी मेरे में ही दया के भाव रूप परिणमित हुआ हूँ, उसके अलावा कोई नहीं हुआ है, ये बात यहाँ बता रहे। इसीलिए इस रागादि का जीव ही करता है, और यह रागादि जीव ही का कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है। मतलब जहां जहां जीव होगा वहां वहां ही भाव कर्म होगा। और आप बोलते हो त्रिव कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से भिन्न हो, और ये कह रहे हैं कि जहां भाव कर्म है वो जीव ही होगा, चेतना का अनुसारी है, ये क्या बात है? मैं द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से भिन्न हो, तो भाव कर्म जीव का है कि नहीं है? है? भाव कर्म समझ गया? मोर आदेश के भाव कौन करता है? बाबू जीव ही करता है। और फिर आप बार बार बोलते हो नमा समय सारा है, है? समय सार मतलब क्या? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रही। तो भैया वहां तेरा द्रव्य स्वभाव बनाना है, यहाँ वर्तमान पर्याय की चर्चा चल रही है। क्या
बात समझ में आया तेरे को? वहां तेरे को द्रव्य स्वभाव बताना है, उसमें भाव कर्म है नहीं। यहाँ चर्चा क्या चल रही है? तेरी पर्याय में जो रागादिक है, वर्तमान पर्याय में रागादिक है, वह रागादिक किसने किए, इसकी चर्चा चल रही है। समझ में आई बात? क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है। चेतना का अनुसारी मतलब जहां चेतना है वही भाव कर्म मिलेगा। क्या जैसा? जहां चेतना है वही भाव कर्म मिलेगा, लेकिन भाव कर्म का नाम चेतना नहीं है। आई बात सर? ठीक है, आप कभी तो बोलते हो ये, कभी तो बोलते हो, समझना तो पड़ेगी आपको। जैसा मोतिया कहां मिलेगा? आग में मिलेगा, लेकिन वो स्वस्थ आग नहीं है, वो आग की बीमारी है। कहां मिलेगा मोतिया? आग में ही मिलेगा, लेकिन वो स्वस्थ आग नहीं है, वो क्या है? आग की बीमारी है। बुखार कहां मिलेगा? बुखार कहां मिलेगा? लेकिन वो शरीर नहीं है स्वस्थ शरीर, क्योंकि स्वस्थ शरीर तो बुखार रहित होता है। ठीक उसी प्रकार भाव कर्म कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? आत्मा में मिलेंगे। लेकिन आत्मा की जब बात की जाएगी तो बोले वो भाव कर्म नहीं, वो बीमारी है। बात पर बेटा पकड़ना है छोटू है। जब अपन स्वस्थ शरीर की बात करेंगे तो उसमें बुखार नहीं है, उसमें मोतिया नहीं है, उसमें अपेंडिक्स नहीं है। तो अपेंडिक्स किसने बनाया? शरीर ने बनाया। मोतिया किसने बनाया? शरीर ने बनाया। कोई ने बाहर से आके मोतिया थोड़ी डाला है, बनाया शरीर ने। लेकिन वह स्वस्थ शरीर की निशानी नहीं है। जिस जीव को स्वस्थ शरीर की दृष्टि करानी है उसको कहते हैं कि ये शरीर का नहीं है। बात पकड़ में आ गई आपको? यस, बात पकड़ में आ गई आपको? क्या दृष्टि करानी है साहब? स्वस्थ शरीर की दृष्टि। इसी प्रकार जिसको आत्मा की दृष्टि करानी है उसको कहेंगे कि आत्मा दृढ़ कर्म नो कर्म, उससे तो रही थे क्योंकि वो तो प्रदेश ही भिन्न है, लेकिन भाव कर्म से भी रही है। आई बात, वो एंगल अलग है। यहाँ अभी क्या है, कहाँ है उसकी बात?